खेसारी लाल यादव ने घर से बाहर निकलने के बाद पहला काम क्या किया, आप सभी जानना चाहते होंगे, इसलिए हम भी बेकरार हैं आपसे कहने के लिए। खेसारी लाल यादव ने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकला सबसे पहला काम मैंने पूजा की। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने पूजा की और अब यहाँ से निकलने के बाद मैं किसी सुकून भरे जगह जाऊँगा जहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, क्योंकि मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया है। खेसारी लाल यादव की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा शॉक लगता है कि क्या बिग बॉस के घर में कोई कंटेस्टेंट शांत रहकर अपना पारी नहीं खेल सकता। वहाँ प्रोवोक होना ही ज़रूरी है या यूं दिखाना ज़रूरी है कि मैं गाली गलौज कितना बेहतर दे सकता हूँ। खैर, यहाँ खेसारी लाल यादव ने कि बिग बॉस के फॉर्मेट पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन बिग बॉस के घर में रह रहे कंटेस्टेंट जितने हैं उनके संस्कारों पे सवाल ज़रूर उठाया। खेसारी लाल यादव ने यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला से लेके सभी की क्लास ली, सभी को बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ सबसे ज़्यादा गाली सबसे ज़्यादा चीख चिल्लाहट करता है वो बंदा वहाँ टिका रह सकता है, और तो और लोगों के बीच अपनी पैठ भी बनाए रख सकता है। खैर, चाहे जो भी हो, खेसारी लाल यादव ने अपना गेम अच्छा खेला है और खेसारी लाल यादव के लिए यहाँ लोग अप्रिशिएशन भी खूब कर रहे हैं। तो चलिए, भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।